तो मैं कह रहा हूं कि आज इस देश के लोगों को, इस देश के युवाओं को सांप्रदायिकता के राह पे कौन ढकेल रहा है? कौन कह रहा है कि तुमको भगवान की रक्षा करनी है, तुमको धर्म की रक्षा करनी है? और धर्म की परिभाषा को कौन बदल रहा है? धर्म को एक कपड़ा कौन पहना रहा है? धर्म का तो मतलब होता है कि कोई भी अच्छा कार्य धर्म का कार्य होता है, किसी भी कार्य को धर्म से कीजिए, मतलब अच्छे से कीजिए, सबका भला हो। ये धर्म अधर्म की परिभाषा को बदला जा रहा है कि धर्म का मतलब एक संदीप तबका जी होता जवाब है, दीजिए, जो हिंदू धर्म की कहते हैं या परिभाषा मुसलमान को कहते हैं। बदला जा रहा है, अच्छा जवाब जी, यहाँ मैं के राहुल भाई, मुख्यमंत्री, जहाँ राहुल के जी ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक बुलडोजर बाबा कहलवाएं और गर्व लें, तो ये तो दिक्कत की बात है ना कि है राहुल जी। एक एक अब चुना राहुल हुआ भाई से तो एक मैं चीफ लड़ने नहीं आऊंगा, मिनिस्टर राहुल भाई अपने की आप को बात बुलडोजर समाप्त कर बाबा क्यों लिया, और जो कहलवाएगा? भी वो बुराई लाचार में ये करेंगे वो बुलडोजर भाई लेके आ जाते भारतीय हैं। जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिलता है, कांग्रेस के लोग जितनी बुराई करते हैं बढ़िया उतना बात है, भारतीय देखिए जनता हम पार्टी कह को तो ज्यादा रहे हैं कि मिलती है। बहुत खुशी की बात है कि हाँ, आपको और वोट मिल रहा है, अच्छी बात समाज है के कि लिए काम इनके कीजिए, जो जनता राहुल के जी सवालों का सोच जवाब है, दीजिए। राहुल जी संदीप दो बात मुख्यमंत्री, में मैं बहुत देखिए महत्वपूर्ण है, 105वें स्थान कांग्रेस पे से आ गए आपने हैं। सवाल किया कि संदीप भाई, कांग्रेस अगर लड़ेगी संदीप नहीं भैया, तो देखिए बनेगी संदीप कैसे, भैया, हम तो जनता के कांग्रेस ही अपने एक इतिहास बाल को को रख बता रहे रही हैं। है कि बहुत सूरमा पार्टी संदीप थी, भैया आप बहुत बताइए ना, मजबूत इतिहास पार्टी थी, इतिहास आजादी सूर्या देश को बताइए दिला कि आज दी। भुखमरी में अरे भाई 105वें स्थान आजादी पे दी हैं, गई, देश 120 120 में में। ये तो पूरे आप सत्ता दुनिया में, में आपको भारत का जवाब को झंडा देना बज रहा पड़ेगा है, ना संदीप ये भी भैया। आपको पता है। लेकिन आज विषय प्रेस ये फ्रीडम है, इंडेक्स पर हम लोग विषय ये है, विषय 169 ये है प्लेस कि पे हैं, प्रदेश के 180 में, चुनाव में और ऐसा देश की, क्या राहुल है जी कि तो विषय चुनाव लड़ में लेते भारतीय जब जनता इतने पार्टी मुद्दे जीत पता गई है। है? एक लड़ेगी सेकेंड नहीं, ये संदीप देखिए जी, एक लड़ रही सेकेंड, है, बैठे हैं तो इसे जवाब कौन कौन होगा? देगा, कौन बताइए। होगा? संदीप जी इतनी एक छोटी मिनट, सी बात पे आप हमें संदीप पूरा जी भला एक कह मिनट रहे हो? छोटी बात है, अपनी सरकार राहुल छोटी जी बात है क्या? अगर अपने इतने पार्टी के मुद्दे कोई पता बच्चा, है कोई तो बच्चा फिर गोली खा कांग्रेस जा रहा है, क्यों बैकफुट पर आ आपके गई? पार्टी के कांग्रेस तो फ्रंट सांप्रदायिक फुट पर जाकर खेलना सांप्रदायिक चाहिए था, राह का जो राह एक ये पे इंडिया, जाने के लिए इंडिया लोगों को बना मोटिवेट रखा है, करती कहीं है रईस बीजेपी। कहीं करोड़ा, ये मेरी भानुमति आवाज में नहीं तीन जा रही बारी है, राहुल कांग्रेस जी की आ हार रही है थी, कि बाकी बाबरी के पे जो मिलते बच्चे हैं ना, चढ़े थे वो भाषा उस एक मंदिर में दूसरे दब की गए जब मिलती बोला है ना, चंगी रहा था, प्रतिबद्धता एक उस दूसरे घर को आवाज, कहते घर हैं वाले ना, आज राहुल मिलकर जी की आवाज मिलकर सुन नहीं रहे हैं क्या? निंदा कब तक मांगते, मिलेगा? और कांग्रेस तो का कब पता तक नहीं किस इस भावना नफरत में की जिए जा आंधी रहे में हैं, हम जो लोग भी रोकते रोकते रहेंगे? रहेंगे। बीजेपी के नेता के आवाज आ बच्चे रही है नहीं क्या आते राहुल जी? हिंदुत्व बचाने के लिए, बताइए राहुल ये जी आवाज आ रही है सिर्फ क्या? सिर्फ गरीब के बच्चों को क्यों झोंक दिया जाता है? राहुल जी मुझे और सुन पा मैं रहे हैं? बताऊंगा जी, बोलिए आशा जी, बोलिए मेरा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी को जी। उत्तर प्रदेश के अंदर इतने मुद्दे पता हैं तो फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्यों बैकफुट पे चले गए? क्यों जमीन खाली छोड़ दी समाजवादी पार्टी के लिए? फ्रंट फुट पर आकर देखो लड़ना मैं कह चाहिए रहा, था, अगर नहीं जनता के नहीं मुद्दे मैं आप कह रहा हूं जानते हैं कि उनका हल देखिए, करना मेरी चाहिए था। ये सवाल है, इस जवाब सुन तरह से लीजिए, लड़ाई मेरा से जवाब ले शोर से लीजिए, कुछ मेरा नहीं होने वाला है जवाब ले लीजिए। ना। दीजिए देखिए मैं कह रहा हूं कि हमारा हमारा गठबंधन है, ठीक है, और गठबंधन का जो धर्म होता है ना वो हम निभाएंगे। आपस में हमारी क्या सुलह है, हमारे नेता लोग जो भी बैठ के लेकिन डिसाइड कांग्रेस किए के लिए तो हैं उत्तर वो प्रदेश मानेंगे। बेहद और अहम देखिए है। देखिए हम फिर से कह रहे हैं कि हमारी आपस में लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई इस तानाशाह सरकार से है, जो जवाब नहीं दे रही है कि हम लोग भुखमरी में 105 पे कैसे पहुंच गए, अभिषेक जी 169 आउट ऑफ एक कमेंट 180 पे क्यों कीजिएगा, आए फिर प्रेस मैं फ्रीडम संदीप इंडेक्स जी में? से दोनों का जवाब तो लूंगी। देखिए, तो आप देखिए समाजवादी पार्टी को ठीक है, एक मतलब हरियाणा में दोनों नहीं पार्टियां अंबेडकर दिए, मिलकर और बीजेपी के खिलाफ समाजवादी लड़ना पार्टियां को चाहती हैं? झुकी, अभिषेक जी, ये दही नहीं है, अभिषेक हम जी, मिलजुल के चुनाव लड़ रहे समाजवादी हैं पार्टी के आपस में, अंदर, एक हमारा सेकेंड जी राहुल जी सुन लीजिए, जी सुन लीजिए अभिषेक जी, लाभदायक तो मुलायम सिंह यादव भी नहीं मानते थे कांग्रेस को, और कांग्रेस के लिए यूपी बहुत अहम है, लेकिन छोड़ दिया, वजहें क्या रही नहीं पता। वो कह रहे हैं कि गठबंधन है, साथ में लड़ रहे हैं। कि जब आपने राहुल जी से बात प्रश्न किया, तो उस प्रश्न में आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए था कि दोनों पार्टी के बड़े नेताओं ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और आदरणीय राहुल जी ने इस बात को कहा था। और सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। और समाजवादी पार्टी ने जब अपने प्रत्याशी घोषित किए और जब दोनों ऊपर के सभी नेता जब अमली जामा पहना दिया उन लोगों, तो हम कार्यकर्ताओं का काम होता है कि जो भी है उन जनता के मुद्दों पे लेकर के जनता के बीच जाए और मुद्दों को आगे लेकर के बढ़े। हमारे संदीप भाई ने इस बात को कहा था तो मैं बिल्कुल उनको याद दिला दूं कि सबसे पहला मुद्दा तो उन्होंने कानून व्यवस्था पे जब बात कही, तो सबसे पहला मुद्दा तो शायद उन्होंने शायद सुना नहीं है, तो उन्होंने सबसे पहला मुद्दा तो उन्होंने स्वयं बताया कानून व्यवस्था। तो मतलब इसका इसका मतलब यह कि वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सबसे बड़ा आज के डेट में कानून व्यवस्था मुद्दा है, जिसको ढाक के तीन पात हो रखे हैं, धज्जियां उड़ रखी हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। एक बार दूसरी चीज कि अगर आप दूसरे तौर पे देखेंगे तो भ्रष्टाचार, इन्हीं के पार्टी के भाजपा के विधायक ने कानपुर में देखिए अभी जो 61 करोड़ रुपए का पुल बना था, कैसे भ्रष्टाचार हुआ। विधायक जी ने उनको कमीशन नहीं पहुंचा तो उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया और जनता जनार्दन ने इस बात को देखा।
तीसरी बात आ रही थी कि जमीन कब्जा करने की बात। उत्तर प्रदेश में आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को आप देख लेंगे किसी न किसी जमीन कब्जा करने के आरोप में वो चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चाहे बागपत में ध्रुव नाम के व्यक्ति की जमीन हो, चाहे उत्तर प्रदेश की अवैध बिल्डिंग, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध बिल्डिंग गिरने की बात रही है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वयं आ जाते हैं। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, अवैध जमीनों पर कब्जा। उसके बाद आशा जी देखिए, समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पे जा रही चुनाव लड़, इनको याद होना चाहिए जब बसपा सरकार थी तो 364 दंगे हुए उनके कार्यकाल में। संदीप जी आज भी क्या 2012 से 2017 से ज्यादा बड़े दंगे, क्या आज भी आपको आवश्यकता है कम से कम हत्या टर्म की सरकार चला रहे हैं उसके बाद भी अगर आपको समाजवादी पार्टी या किसी दूसरे पार्टी की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप आज भी अगर दूसरी पार्टियों को देख रहे हो आपकी पार्टी का काम कर रहे हैं, अच्छा कांग्रेस तो वो है कि जो पहलवानी कर रही है सुप्रीम के पहलवान की पीठ चपा रही है कि भाई तू हरा दे हरा दे, कांग्रेस लड़ती तो वहां कम से कम जमानत भी जब्त हो जाते आशा जी, जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के सारे रूप देखे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का क्या हाल हुआ, जमानत को जवाब दे रहे हैं, कांग्रेस कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है, प्रारंभ से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। जो लोग जनता को गाली दे रहे हैं, जो लोग यूपी में अखिलेश जी उनके मित्र हो गए हैं, अभी बिहार चले जाइए, बिहार में लालू जी का परिवार उनका मित्र हो गया है, जहाँ जहाँ जिन जिन स्टेटों में चले जाइए जो करप्शन के मामलों में गिरे हुए लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो भ्रष्टाचार के पोषक हैं, वो कांग्रेस उनकी ही तैसी है। ऐसी कांग्रेस समाजवादी पार्टी को देर सवेर समझ में आई कि कांग्रेस के साथ लड़ने से उनको नुकसान है, अब ये नया इंडी गठबंधन जातियों के गणित से जब पूछने के लिए तैयार नहीं है तो इंडी इंडी करने से क्या होगा जो जातियों।